सेमीफाइनल में बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ नहीं खेली टीम इंडिया। अजहरुद्दीन, नमस्कार। इंग्लैंड की मेजबानी में 20 साल बाद खेले जा रहे क्रिकेटर विश्व कप से टीम इंडिया बाहर हो गई है। मैनचेस्टर से खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में बुधवार को न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से मात दी। इस हार के साथ ही भारत के हाथ से तीसरी बार विश्व विजेता बनने का मौका भी फिसल गया। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस हार के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को निशाना बनाया। अजहरुद्दीन ने आज तक से बातचीत में बताया कि ये सेमीफाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर से असंतुष्ट है। अजहर ने कहा, कप्तान कोहली ने सेमीफाइनल में कार्तिक पर भरोसा किया, लेकिन वर्ल्ड कप में कार्तिक ने बहुत ज्यादा मैच नहीं खेले थे। किसी भी नए बल्लेबाज के लिए ऐसी परिस्थितियों में रन बनाना आसान नहीं होता। अजहर ने आगे कहा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दिनेश कार्तिक से ज्यादा बेहतर विकल्प केदार यादव थे, लेकिन इसी मैच में उन्हें मौका नहीं दिया गया। एक मैच में 4 विकेट कीपर्स के साथ खेलने का भी कोई मतलब नहीं पड़ता, इससे बैटिंग ऑर्डर को मैनेज करने में भी काफी दिक्कतें आई। सेमीफाइनल में एक वक्त ऋषभ पंत काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। पंत को देरी से टीम में शामिल किए जाने पर और शुरुआत में उन्हें स्क्वाड में जगह ना देने पर अजहर ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, अगर पंत को लगातार मैच खिलाने ही थे तो उन्हें स्क्वाड से बाहर क्यों रखा गया था। 1983 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने अजहर की बात पर सहमति जताई। मदन लाल ने कहा, सेमीफाइनल में टीम इंडिया की प्ले 11 मेरी भी समझ से बाहर है। मदन लाल ने तेज गेंद व मोहम्मद शमी को बाहर बैठने पर भी एतराज जताया। उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लीडिंग विकेट टेकर गेंदबाज को इतने बड़े मैच में बाहर बैठाने का फैसला कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।